अभी हमारा ब्लॉग ना घर हो गया, तो आज मेरा हम लोगों का कुछ खाने का मन नहीं था। छोटू को दे देती हूँ, छोटू लो खा लो आओ। हमको नींद आई है तो हम सो गए, वीडियो शीडियो कुछ नहीं, दो तीन दिन लगातार बना लिए थे तो मेरे को थकान थी। कमेंट किसी ने क्या किया है, सब सचिन को बोल रहे हैं कि किट्टो ने सचिन को बेइज्जती करके घर से निकाला है, उसका औकात दिखाया है, आपका ऐसा नहीं करना चाहिए था किट्टो, बताओ। किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, तो आप लोगों का हमारे घर में स्वागत है। अभी हमारा ब्लॉग ना घर हो गया, तो आज मेरा हम लोगों का कुछ खाने का मन नहीं था, मेरा खाना पीना भी ऐसे डेली खाने का डेली खाते हैं, तो मैंने क्या किया, आज हम बना रहे हैं सबके लिए इडली। इसका पानी बार बार सूख लेते हैं, ये मैं हाथ देती हूँ, और ये मैंने इडली रख दिया, और इतना एक मतलब एक दो प्लेट का और है, और यहाँ मैंने चटनी चटनी बना लिया है मूंगफली का, और ये चीज़। चलिए मैं ये देती हूँ अपने पति के लिए, पहले छोटू को दे देती हूँ, छोटू लो खा लो आओ, पहले छोटू को दे देती हूँ क्योंकि छोटू छोटा है। पांच दे दो, तीन पांच खा लो, ये इतना नहीं खाऊंगा, ये तो दो ही देना। क्या दो तीन दे? अरे ये इडली है, ये घर वाला इडली है, बाहर वाला इडली नहीं है। चलो चार ले लो, मैं इनको भी दे देती हूँ, मैं इसमें खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उनको देने जा रही हूँ, आज मैंने ना छिलके बनाया ही नहीं, आज मैं ऐसे बनाऊंगा। उनके यहाँ से तो मैं केक पीसने वाले हैं, बहुत अच्छा केक होता है उनका। भैया हमारा तो अब ये समझ लीजिए, वो तो मतलब ये समझ लीजिए कि हमें कुछ कभी भूख लगती है ना, उनको सैंडविच वगैरह भी ऑर्डर करते हैं, बना के घर में रख देते हैं वो। उनके स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो इडली बन गया है, तो इसको निकाल निकाल के रख रही हूँ। और छोटू जो हमारे घर में एक छोटू है ना, बोल रहा है मैं कभी खाया ही नहीं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, उसको बस खाली चिकन अंडा पसंद है। छोटू जानते गए इसमें बस चिकन अंडा खाता है ज्यादा से ज्यादा। कह रहा है मैं तो कभी खाया ही नहीं हूँ, जितना शौक से खा लेता है वो सब, जितना शौक से ये खाना पीना नहीं खाता छोटू का। अब ये है बस लास्ट है, लगाने जा रही हूँ, कितना है देखते पहले। जितनी दर्द भरी है दिल में तेरे में कहाँ, तो चलिए गाइस वहाँ निकाल के रख दिए हैं, ज़्यादा हो गया है, यही हम यही चीज़ ना छोटू को शाम को भी खिलाएंगे। तुम्हें नहीं अच्छा लगा क्या प्रभु? नहीं अच्छा लगा, चटनी अच्छी लगी है। चटनी अच्छी लगी नहीं? तो क्यों खा रहे नहीं थे? दो ही मांगे, वो खाना भी तो खाया है। अच्छा खाना भी लाए थे ना, तो हम खाना नहीं बनाए थे ना, यही था मेरा, हम इतने शौक से बनाए, उस बार बनाए थे बस खाली, तुम भी तो खाए थे इस बार। कब? इस बार भी जब बनाई थी जो बोले खांसी आ रही है। नहीं थे तो नहीं, पहली बार खा रहे मेरे यहाँ, ये दूसरी बार, दूसरी या तीसरी बार। तो तब कैसे कह रहे हो दूसरी तीसरी बार खा रहे थे कि नहीं पता? दो ही बार होगा। अब घर घर की
किट्टो को भी बहुत कुछ आता है अपने लिए। चलो बन गया, इसको रख देते हैं पानी डाल के। अब बर्तन मांजने वाली आएगी, घर साफ करेगी। इतने पानी में तो हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दिया था, मेरा कृतिक भी सो के उठ गया। लीजिए, थैंक यू किट्टो, थैंक यू सो मच। हम लोग आज हमको नींद आई है, हम सो गए हैं। वीडियो से वीडियो कुछ दो तीन दिन लगातार बना लिए थे तो मेरे को थकान थी। देखा, आप भी बहुत अच्छा रखा है। ले पापा से कितना प्यार करता है, ये कितना प्यार करता है पापा से। कुछ करने जा रहे हैं लीजिए। प्यार तो करोगे नहीं बच्चे को मेरे। छोटू एक पास जाएगा, रस तुमको दे। पापा पापा आज शोया है क्या? कौन सा टोस्ट लाए हो जी? इसको लग रहा है कि इसका ब्लॉग शूट हो रहा है। वेरी गुड, आपको रस्क दे दे, दे दो हमको एक इडली दे दो, दो ठो रस्क दे दो, बस हम भी खा ले, कुछ भूख लग रहा है। इतने बड़े प्लेट में, छोटे से प्लेट में बाबा, उसमें नहीं आ पाएगा ना तो क्या गुंडा बनेगा रे। छोटू कैसे देख रहे हैं? नजर भी नहीं हटा रहा है। एक दो की दो, दो दे दो। बर्थडे आ रहा है ये किट्टू, आज का दिन गया सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे, 9 दिन इसका बर्थडे है। एक साल हो गया, एक साल हो गया, एक साल हो जाएगा, एक साल। हाँ हाँ परवीन, अब स्टोरी में डेली तुम लगा दिया करो ना, जैसे जैसे 9 डेज टू गो, 8 डेज टू गो, ऐसे लगाते रहो इंस्टा पे, इसके उस पे लगा दो, इसका भी ब्लॉग डालो भाई। और बर्थडे में इसका ब्लॉग जरूर आना चाहिए, जरूर इसके बर्थडे में इसका ब्लॉग आना चाहिए ना। गुन्नी बर्थडे ब्लॉग आएगा? नहीं आई हूं, मेरे को देख रही है। हां कैसे देख रहा है कि कौन आया है नया नया घर में, कौन नया नया घर में आ रहा है। ये आपका नाश्ता, चलो इसी पे आ जाते हैं। यहां पे छोटू तुम्हारा चाय उधर है, छोटू चाय लेके आ जा। और कमेंट किसी ने क्या किया है, सब सचिन को बोल रहे हैं कि किट्टो ने सचिन को बेइज्जती करके घर से निकाला है, उसका औकात दिखाया है, आपका ऐसा नहीं करना चाहिए था किट्टो, बताओ। कौन सा कमेंट है, कब आया था कमेंट? देखो कमेंट कौन सी वीडियो पे है, आजकल वाली वीडियो में मेरे आया है। ऐसे अब आप सोचो, चलो ऐसे फालतू कमेंट हटा दिया करो प्रवीण। देखो चलो कोई नहीं, उस पे वैसे तो मैक्सिमम कमेंट मैं ही देखता हूं, लेकिन मैं नहीं देखा अभी का वीडियो पर। ये कमेंट आप लोग खुद देख लो, नहीं तो मैं झूठ बोलोगे जो मेरे वाले ब्लॉग में आया है। ये देखा दो, तुम्हारे ब्लॉग ऊपर, यहाँ मेरे वाले ब्लॉग में आया है, देख लिया। अब मैं इसको देखो डिलीट करूंगी, क्योंकि मैं, अब तुमने लिखा है ओके जी, नहीं नहीं इस पे नहीं, सॉरी तुमने कुछ नहीं किया इस पे। देखो या ऊपर वाले कमेंट है, दिखा ये 45 सेकंड पहले आया है। हाँ, अभी तो अभी आया है जस्ट, इसको मैं डिलीट करती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने क्या बोलते हैं इसमें, मतलब कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक भी गंदगी नहीं देखना चाहते हैं। किसी एक क्रिएटर्स को लेकर के, मतलब सचिन भाई को लेकर के, जो कि हमारे घर के इन, मतलब कि एक मेंबर ही, हम अपने घर का मेंबर ही समझते हैं उनको, और वो हमारे भाई हैं। हमने कोई ना तो उनकी बेइज्जती की थी, ना मैंने उनका, इन दोनों ने, मतलब कि मैं इनसे नाराज़ थी तो इन दोनों ने प्लान किया था कुछ, मतलब कि अपने आपस में प्रैंक करने के लिए मेरे ऊपर, पर मुझे पता नहीं था कि इन्होंने ये वीडियो शूट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं, हम लोगों का मस्ती या फिर कुछ भी जो चलता है वो चीज़ अगर हम लोग आप लोग को दिखाते हैं तो आप लोग उसको गलत ले में ले जाते हो, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सचिन भाई को मुंबई जाना था,
इसलिए सचिन भाई मुंबई गए, उनका अचानक से उनका फ्लाइट का टिकट निकला, वो अचानक से सुबह, वैसे तो सुबह सुबह उठते नहीं है, सुबह ही उठे, बोले कि मैं जा रहा हूँ फटाफट, और उसी पे आप लोगों ने इतना बड़ा काम, मुझे भी जाना था लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा काम था, अभी घर पे फंक्शन है मेरे, मैं खुद नहीं जा पाया। इतना बड़ा बवाल कर रहे हो कि मैंने सचिन भाई को घर से निकाला, बेइज्जती करके, मैं बेइज्जती क्यों करूंगी उनकी, यार वो इनके भाई हैं, मतलब कि अपना भाई समझते हैं, भाई हैं ये दोनों, एक दूसरे के ऊपर हमेशा, उनको कुछ प्रॉब्लम होती ये खड़े होते हैं, इनको होती तो खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बेइज्जती करके घर से निकाला है। भैया वो गए थे मुंबई, मुंबई से फिर वो यहाँ पे आने के लिए तो बोल देते कि मैं कल दिल्ली आ जाऊँगा, लेकिन ट्रेन 12 घंटे का लेट था, तो उन्होंने क्या किया, जो 12 घंटा मुझे यहाँ आने में लगे, इससे अच्छा मैं अपने बीवी के पास जाऊँ, मैं अपने घर पे ही टाइम स्पेंड करूँ, और उसके बाद उन लोगों को भी यहाँ आना है, तो ऐसे आएंगे नहीं, तो इसलिए उनको लेकर के आएंगे भैया, इसलिए हो गए हैं, बाकी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे बैड कमेंट्स मत करो कि लोग कोई, इसके पहले आप लोगों ने बोल दिया कि आप लोगों का कुछ और है, कुछ भी जोड़ देते हो, मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं उनको चार बात बोलती हूँ ना, तो मैं ऑन अपने दिल से बोल देती हूँ, और भी मजाक में बोलती हूँ, और उसके भाई समझ के बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस बोल दिया कि उनको बुरा लग जाए। अगर कभी कभी मेरी बातें कभी बुरी लगती भी है तो मेरे को बोलते, तो मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ। ऐसा है हमारे लोगों की रिश्ता, ठीक है, बट जो बात है ऑन द स्पॉट हम लोग का होता है, ऐसा कोई दूसरा बोला तो हाँ, किसी दूसरे की बातों में तो कभी नहीं आते हैं, और जो होता है कोई चीज ऐसा आता है सामने मुझसे जरूर पूछते हैं, और मेरे सामने कोई उनकी चीज आती है मैं जरूर पूछता हूं। ऐसा हमारा रिलेशन है, इसीलिए हम लोग का हेल्दी रिलेशन है। आप देखोगे हम लोग का रिलेशन इतना टाइम हो गया, आज तक कभी भी हमारे रिलेशन में खटास नहीं, बहुत सारे रिलेशन आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, बनते बिगड़ते, बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन देखे होंगे, बहुत से रिलेशन सोशल मीडिया बनते हैं और बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, तो हमारा वो रिलेशन वो वाला नहीं है कि सोशल मीडिया वाला प्यार है, दिखावटी। सचिन भाई के घर से ही आया हुआ बंदा है ना। छोटू कैसा लगता है हमारे घर? अच्छा लग रहा है। कैसा व्यवहार करते हैं हम लोग तुम्हारे साथ? अच्छा। तुमको मारते हैं? नहीं तो वैसा थोड़ी खाने को नहीं देते हैं। दिन भर ये रहता है घर में, गेम खेलता रहता है, अपना एंजॉय करता रहता है, बाबू के साथ खेलता रहता है, इसको जाना था, अच्छा लग रहा है, अगर उसको अच्छा लग रहा है तभी यहाँ पे है, नहीं तो फिर सचिन भाई को फोन नहीं करता, या फिर अपने घर पे फोन नहीं करता, नहीं मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ये करो, ऐसा कुछ होता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, हम लोग की सबके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। बाकी आप लोग के नजरिया को मैं, आप लोग 10 मिनट के वीडियो में कुछ भी जज कर देते हो, ये सोचा करो यार कि हम लोग क्या क्या करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सचिन भाई को हमारे ऊपर विश्वास है, तभी तो अपना बंदा यहाँ छोड़ के गए हुए हैं, वो भी उनको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, कोई बिहार जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि वो आते फिर ये छोटू बराड़ा जाने वाले थे, अब वो उधर चले गए, फिर छोटू यहीं पे, अभी जैसे ही वो आएंगे फिर छोटू चला जाएगा यहाँ से। हाँ, तो हमारे घर तो भाई बहुत जगह कोई भी आए रहे कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते रहते हैं, और हम भगवान की कृपा से हमारा घर खाली नहीं रहा है, कोई ना कोई आता, अभी लोग एक बार कैसे हो जाते अभी यार, अब तो सब चले गए, अभी तो घर पे कौन रहेगा, तो सचिन भाई उनकी मम्मी मनीषा सब आ गए, और बाइट लग देखो कि सचिन भाई और छोटू रुक गए यहाँ पे, तो हम लोग का भी टाइम कट जाता है ना, कोई रहता है तो ये चीज़ हम नहीं सोचते कि हमारे घर कोई 4 दिन है कि 5 दिन है, तो मुझे बोरिंग सा लग रहा है, मुझे अच्छा, बस हम चाहते कि मेरे घर कोई आए तो हम लोगों से अच्छी अच्छी बातें करे, मतलब इंजॉय करे, बस ये चाहते हैं, बस यही खुशी है हमारे लिए, और कुछ भी नहीं। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 पापा।